हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंटिंग रेशो, जिसमें आज मैं आपको सॉल्वेंसी रेशो को एक्सप्लेन करूंगी। इसके अंदर आने वाला थर्ड रेशो प्रोप्राइटरी रेशो आज यहां पर मैं पढ़ाने वाली हूं। हर रेशो को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर रेशो का एक अलग वीडियो बनाया है, उसके साथ उसके दो तीन क्वेश्चंस भी कराए हैं। यदि आप वो सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अकाउंटिंग रेशो की प्लेलिस्ट में चले जाना। हर रेशो को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो क्या होता है, साथ ही साथ उसके पेयर रेशो को भी बताया है और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो आप जाकर वहां पर जरूर देख लेना। आज यहां पर हम पढ़ने वाले हैं प्रोप्राइटरी रेशो, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे वीडियोस देखकर पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम किससे, प्रोप्राइटरी रेशो से। तो बच्चों चलो आज हम यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला देखने से पहले ये समझ लेते हैं कि प्रोप्राइटरी रेशो होता क्या है। ये जो प्रोप्राइटर का फंड होता है या जो शेयर होल्डर का फंड होता है और जो एसेट्स होती हैं टोटल, उनके बीच रिलेशनशिप को बताता है। तो बस वही इस फॉर्मूले में पुट करना है, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बस यही इसका फॉर्मूला है, जितना भी शेयर होल्डर का फंड है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है टोटल एसेट्स को, और ये जो होता है, ये जो रेशो होता है, इन दोनों के रिलेशनशिप को बताता है। यहां पर जो आंसर है या तो प्योर रेशो में आता है और परसेंट में आता है, दोनों में ही आता है। क्लियर? अब यहाँ पर प्योर रेशो यदि रेशो में चाहिए तो वो तो आप जब डिवाइड करोगे तो रेशो में ही आंसर आएगा, लेकिन यदि मुझे परसेंट में चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ये जो फॉर्मूला है उसमें इनटू 100 कर दूंगी। क्या कर दूंगी? इनटू 100 कर दूंगी, तो मेरा परसेंट में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि मुझे प्रोप्राइटरी फंड निकालना है, तो दो अप्रोचेज होती हैं। पहला क्या होता है, एसेट साइड अप्रोच। इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला पुट कर दिया जाता है। और यदि हमें लायबिलिटी साइड अप्रोच के थ्रू निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी शेयर कैपिटल है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों, ठीक है ना, दोनों ही शेयर मिलाकर उसमें जितने भी हमारे रिजर्व हैं और जितना भी हमारा सरप्लस है उसे ऐड कर दिया जाता है। तो ये दो तरीकों से हम क्या करते हैं, ये दो तरीकों से हम प्रोप्राइटर फंड निकाल लेते हैं। इसके बाद आता है, क्या आता है इसके बाद, निकालना टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स को निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है, जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं और जितनी भी हमारी नॉन करंट एसेट्स हैं, इन्हें जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल एसेट्स निकल जाएगी। और बस यही फॉर्मूला पुट करके हमें प्रोप्राइटर फंड एंड टोटल एसेट्स पता चल जाएगी, जिसे हम यदि रेशो में आंसर पूछा है तो रेशो में यहाँ लिख देंगे, यदि परसेंट में पूछा है तो इनटू परसेंट करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलो इसका अब एक क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले देखो इजी सा ही क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। शेयर कैपिटल दिया है, नॉन करंट एसेट्स दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है एंड करंट एसेट्स दिया है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के बाद क्या है, देखो प्रोप्राइटरी फंड कैसे निकलता है, प्रोप्राइटरी फंड दो तरीकों से निकलता है, एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच देख लो आप क्या दिया है, एसेट साइड अप्रोच का दिया है या लायबिलिटी साइड अप्रोच का दिया है। तो आप देखो यहाँ पर करंट शेयर कैपिटल दिया है और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, मतलब कौन सी अप्रोच दी हुई है, लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो आप इन दोनों को प्लस करके 3 लाख
डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो और आप चाहो तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बता सकते हो। टोटल एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, तो 13,20,000 प्लस 6,00,000, ठीक है। अब चलो करो इनको ऐड करके डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि परसेंट में ऐसा कुछ क्लियर दिया नहीं है। 3,00,000 प्लस 1,00,000 80,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 4,80,000 और डिवाइड कर देंगे हम 13,20,000 प्लस 6,00,000 19,20,000, ठीक है। ऊपर बड़ा अमाउंट है, नीचे छोटा अमाउंट है, तो पॉइंट में आएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 19,20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25:1। क्लियर, ऐसे सिंपल है। देखो बच्चों, आपको एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर हर रेशो के कई मेथड हैं करने की। अब हर क्वेश्चन को तो मैं करा नहीं सकती, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को, चाहे वो इलस्ट्रेशन के हों या पीछे एक्सरसाइज के हों, सबकी इसमें प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतनी ही मेथड से आपको सॉल्यूशन करना आएगा। तो 1-2 क्वेश्चन को करके आप इसे नहीं समझ सकते। सिर्फ मैं आपको थोड़े बहुत चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं समझाने के लिए, 2-3 क्वेश्चन समझाती हूँ। बाकी ये जो क्वेश्चन हैं वो आपको करना ही करना है, उन्हें स्किप नहीं करना है। ये 3 जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, हो सकता है उससे अलग मेथड के कोई क्वेश्चन आ जाए, तो हमें हर क्वेश्चन को करके देखना है। अभी हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, देखो। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो ऑफ टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो 2:1। डेब्ट दिया है 2,00,000, इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 0.5 टाइम्स ऑफ डेब्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 4,00,000 एंड रेट ऑफ टैक्स इज 30%। तो यहां पर भी आप देखो, सबसे पहले तो क्या करोगे, आपको फॉर्मूला लिखना है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो दिया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों दिया है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, तो इससे क्या होगा, हमारी टोटल एसेट्स निकल जाएगी। जब आपकी टोटल एसेट्स निकल जाएगी तो वो आपकी प्रोप्राइटरी रेशो में भी यूज हो जाएगी। क्लियर, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। अब यहां पर दिया है 2:1, मतलब 2 डिवाइडेड 1। टोटल एसेट्स हमें पता नहीं है और डेब्ट दिया है 2,00,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 2,00,000 इंटू 2, मतलब टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 4,00,000। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में यहाँ पर देखो, इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर है, तो दोनों को ऐड करके शेयर कैपिटल आएगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले इक्विटी शेयर के लिए क्या बोला है, कितना है, डेब्ट से 0.5% ज़्यादा है, तो डेब्ट कितना दिया है 2,00,000, इसका इंटू 0.5 में करो तो कितना आएगा, 2,00,000 इंटू 0.5 तो आ जाएगा 1,00,000। तो ये तो हो गई आपकी इक्विटी शेयर। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर, जो है वो 25% है इक्विटी शेयर कैपिटल का। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर, तो यहाँ पर क्या है, 2,00,000 का 2,00,000 का नहीं इक्विटी शेयर का बोला है, तो इक्विटी शेयर तो 1,00,000 है, इसका 25%, मतलब 25,000, ठीक है। और साथ ही साथ अब इसे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में लगा देंगे, किसके, प्रोप्राइटरी फंड के। तो लगाइए, चलो इज इक्वल टू क्या था पहले हमारा, सॉरी, प्रोप्राइटरी फंड, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में ये दोनों शेयर कैपिटल हम प्लस कर देंगे, 1,00,000 प्लस 25,000। अब इसमें देखो बच्चों, एक बात और कही गई है जो मुझे आपको पहले ही बतानी थी, कि यहाँ पर जो रिजर्व और सरप्लस या प्रॉफिट दिया हुआ है वो बिफोर टैक्स दिया है, और टैक्स का रेट है 30%। तो मुझे यहाँ पर जो सरप्लस एंड रिजर्व है उसका कैलकुलेशन करना होगा। तो ध्यान से देखना, सरप्लस
ठीक है, कितना दिया हुआ है 4 लाख, उसका 30% मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो 4 लाख का 30% 1,20,000 आएगा, और जब मैं 4 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दूंगी तो 2,80,000 आएगा। ठीक है, एक बार मैं इसको करके देख लेती हूँ। 4 लाख का 30% 1,20,000, वो 4 लाख में से माइनस करा 1,20,000 तो आया 2,80,000, बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करूँगी, ये 2,80,000 को यहाँ पर मैं प्लस कर दूँगी, क्योंकि यही है ना हमारा सरप्लस। जब हमने प्लस किया तो देखो कितना आया, एक बार कैलकुलेट करो बच्चों, 1 लाख प्लस 25,000 प्लस 2,80,000 तो 4,05,000, ये मेरा क्या आ गया, प्रोप्राइटरी फंड आ गया। अब मुझे फॉर्मूले में पुट करना है, जो मेरा फॉर्मूला है क्या है, ऊपर ही लिखा है क्या मैंने, नहीं अभी नहीं लिखा, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। अब आप बोलेंगे मैडम आपने 100 क्यों करा, इसलिए करा बच्चों क्योंकि देखो पूरी क्वेश्चन में जो चीज़ें दी हैं वो परसेंट में ही दी है, तो हमें इसका सॉल्यूशन भी परसेंट में ही निकालना है। तो 405,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख इनटू 100, तो आप करके देखो 405,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख तो यहाँ पर आ जाएगा 101.25, क्लियर, परसेंट में ही आएगा इसका आंसर, क्लियर हुआ। अब चलो एक क्वेश्चन और देखो, लास्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। चलो अब यहाँ पर टोटल एसेट्स निकालो, जितनी भी करंट एसेट्स हैं और जितनी भी नॉन करंट एसेट्स हैं मतलब लॉन्ग टर्म वाली, तो ये सभी हैं, आप इन तीनों का नाम लिख के प्लस करना, मैं डायरेक्ट ही प्लस कर रही हूँ, प्लस 2,25,000 प्लस 1,50,000, जब इन्हें प्लस करेंगे तो हमारी टोटल एसेट्स निकल जाएगी 3,75,000 प्लस 2,25,000, वैसे तो ये यहाँ पर ही दिया है 1,50,000, एक बार फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7,50,000 के बाद अब मुझे शेयर होल्डर फंड निकालना है। तो देखो ये पूरी दोनों इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, तो हम यहाँ पर शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटरी फंड लिख सकते हैं। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू 3,01,50,000 एंड 75,000, ये लिखेंगे। चलो ऐड करके देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, 5,25,000। बस अब सिंपल सी टोटल एसेट्स निकल गई, प्रोप्राइटरी फंड निकल गया, तो चलो फॉर्मूला पुट कर दो, रेशो तो किसे करेंगे हम ऊपर, 5,25,000 को डिवाइडेड बाय 7,50,000, चलो करो तो आ जाएगा 0.7:1, क्लियर। इस तरह से बच्चों यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन बता दिए हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करना ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएं। चलो नेक्स्ट रेशो के लिए नेक्स्ट वीडियो में।